सा सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे टेक्निकल दादा चैनल पे। आज हम DSLR इन एंड्रॉयड फ़ोन की मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे DSLR मतलब बैकग्राउंड ब्लर कैट करते हैं उसके ऐप के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने वो ऐप अगर आपके पास वो ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं बताऊंगा कि वो यूज कैसे करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये आपको आसानी से प्ले स्टोर में मिल जाएगी। आपने प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ लिखना है आपने आफ्टर फोकस। तो ये देखिए इस आइकन का लोगो याद रखिए, और मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है और डाउनलोडिंग भी काफ़ी अच्छी है, 10 मिलियन है। तो आप इसे इंस्टॉल कर लें और ओपन करें तो आपको यहाँ तीन ऑप्शन मिलेंगे, कैमरा, एल्बम और प्रोजेक्ट। तो आप अगर तो कैमरे से खींचना चाहते हैं तो कैमरे से भी ब्लर कर सकते हैं, अगर एल्बम से एडिट करना चाहते हैं तो एल्बम से भी और प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं एल्बम से करना चाहूँगा और मैं यहाँ से गैलरी कर दूँगा, फिर कोई सी भी पिक मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ये करता हूँ मैं अपनी नॉर्मल सी पिक, ओ सॉरी मैं अपनी नॉर्मल सी पिक कर लेता हूँ सिलेक्ट, और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये काम करता है। ये देखिए तो ये फ़ोटो सिलेक्ट हो चुकी है। तो अब देखिए ये ब्लर नहीं है बिल्कुल, और इसे हम ब्लर करेंगे। तो शॉर्ट से टिप्स है, आप फॉलो करते करिए। तो यहाँ देखिए आप जहाँ आपको ब्लर नहीं करना है तो आप ऐसे ऐसे करके एक लंबी लाइन बना दीजिए, और खासकर ध्यान ये रखिए कि इस ये थर्ड पार्ट वाला जो ऑप्शन है ये वॉलपेपर मतलब बैकग्राउंड का है, तो इसको आप ऐसे राउंड शेप बना लीजिए। तो आपका ये बन गया। अगर आप टू फिंगर से पिंच करेंगे, जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि हल्का हल्का ये कट गया है। तो आप इसे फिर हमें ये ब्लर नहीं करना है तो इधर फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से ऐसे कीजिए, हल्का हल्का सा ऐसे कर दीजिए, जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि कमी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ वापस बैकग्राउंड में आइए, बाकी तो सब एकदम अच्छे से बन रही है। तो अब आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे ये बिल्कुल ब्लर हो चुकी है, बिल्कुल नो जजमेंट, ऐसा लगता है DSLR से खींची हुई पिक है। तो आप यहाँ से फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए ब्लर पे, और आपको लेंस ब्लर मिलेगा। और फेदर देखिए, अगर फेदर बढ़ाते हैं तो और भी अच्छी आएगी, मतलब मैं इतना सा रखना चाहूँगा। और आप ब्लर जितना भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि पिक अच्छी नहीं बनेगी, अच्छी बनेगी। और ये देखिए चाहे आप कितना ही ब्लर कर दें फिर भी कितनी क्लियर आ रही है पिक की, कोई जजमेंट ही नहीं कि कट कर रखी है। तो फ्रेंड्स और भी आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आपको बैकग्राउंड में लाइट आ रही है तो मतलब ये शेप में उसको अच्छी बनाता है, जिससे मैं हार्ट शेप में एंड ये तो इसमें कोई लाइट नहीं पीछे, इसीलिए कुछ मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। बाकी अब फेडिंग वीजी में देखते हैं, ये तो चलो फिल्टर में मिल जाएंगे आपको, इसमें कोई सा फिल्टर चूज कर लें। बाकी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं और ये ब्लर हो चुकी है। तो मैं इसे यहाँ से सेव कर देता हूँ, और आपको यहाँ एक बार ऐड दिखेगी 2-3 सेकंड की, तो इसे कट कर दें और सेविंग, और ये सेव हो चुकी है। और बस यही था फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।